अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा हलीम है और मैं हलीमा शेख की बेटी हूँ। इट्स माय डैड्स बर्थडे टुडे और हर साल हम रात के 12 बजे उनका बर्थडे का केक साथ में काटते थे। इस साल हम रात के 12 बजे उनसे हॉस्पिटल में मिलने गए और वो सिर्फ इस वजह से कि सिंध हुकूमत ने उनके ऊपर अटैक करवाया, असैसिनेशन अटेम्प्ट करवाया, जैसे वो कल सेंट्रल जेल में एंटर हुए जब उनको जुडिशियल कस्टडी में डाला गया और वो सेंट्रल जेल में एंटर हुए, देयर वाज अ मॉब वेटिंग फॉर हिम और उस मॉब ने उनके ऊपर फौरन अटैक किया। वो तो उस वक्त कुछ पुलिस ऑफिसर्स ने, कुछ लोगों ने उनको बचा लिया, लेकिन उनकी बॉडी पे मल्टीपल ब्रूजेज आए हैं। उनकी टांग में चोट है, वो चल नहीं सकते, उनके हाथ में चोट है, उनकी कमर में मल्टीपल ब्रूजेज आए हैं, वो ठीक हालत में नहीं है। और खुदा ना खास्ता अगर फॉर्चुनेटली अल्लाह ताला का करम हुआ कि वो मिडवे स्टॉप हो गया, मेरे फादर को कल असैसिनेट कर सकते थे। उनका जुर्म सिर्फ इतना है कि वो इस सूबे की आवाम के लिए खड़े होते हैं, उनका जुर्म सिर्फ इतना है कि वो सिंध गवर्नमेंट को, पीपल्स पार्टी को एक्सपोज करते हैं, उनका जुर्म सिर्फ इतना है कि वो इस पूरे प्रोविंस में घूमते हैं, कहीं स्कूलों के अंदर भैंसें बंदी होती है तो कहीं हॉस्पिटल्स को नीलामी हो रही होती है, वो हर एक एक चीज एक एक जगह जाके एक्सपोज करते हैं, इनकी एक एक बंदे के साथ खड़े होते हैं और ये नहीं समझ आता, ये पसंद नहीं आता पीपल्स पार्टी को क्योंकि वो उनकी करप्शन एक्सपोज करते हैं और इस सब के बदले में उन्होंने उनको असैसिनेट करने की कोशिश की। मैं सिर्फ ये बात एक बार याद दिलाना चाहती हूँ कि खुदा ना खास्ता उनकी लाइफ को कुछ हुआ तो उसका डायरेक्ट जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी होगी।